तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों इस किचन टिप्स से आपका काम तो आसान होगा ही होगा और दोस्तों आपका टाइम भी बचने वाला है और साथ ही साथ आपके पैसे भी बचने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों, ये जो लहसुन जो हम अपने राशन के साथ ही ले आते हैं, जैसे कि ज़्यादा क्वांटिटी में हम लहसुन ला के रख देते हैं कि हमारा लहसुन सालों साल चले। लहसुन एक ऐसा चीज़ होता है कि लहसुन को हमें रखना ही पड़ता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि लहसुन धीरे धीरे हमारा ख़राब होने लगता है। हम क्या करते हैं कि ले आके इस तरीके से टोकरी में रख देते हैं या डलिया में रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, या कोई बोरी वगैरह बिछा के हम इस तरीके से रख देते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस तरीके से हमारे लहसुन ख़राब हो जाते हैं। जब भी दोस्तों लहसुन आप ले आते हैं तो इसी तरीके से आप बांध के रील के हेल्प से, अब बस क्या करना है आपको, चार से पाँच भी नहीं आ रहे तो चार लहसुन को इस तरीके से पकड़ के और ये जो धागा है ना इसको अच्छी तरीके से रफ़ करेंगे तो आप देखेंगे ये जो लहसुन की पकड़ है काफ़ी अच्छी तरीके से धागे में आ जाएगा। जब धागे में आ जाएगा तो बहुत अच्छी तरीके से पकड़ भी हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो जितने भी लहसुन आ रहे हैं हाथों में अच्छी तरीके से इसको बांध के और आप इसको लहसुन को सालों साल तक के चला सकते हैं। ये लहसुन आपका बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने वाला है। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसको बांध दिया है। अब इसके ऊपर अच्छी तरीके से करने के बाद अच्छी तरीके से मैंने कर दिया है और इसके ऊपर ये जो धागा है ना, धागा के एक फंदा इस तरीके से हम लगा देंगे और लगाने के बाद अब इस तरीके से थोड़े धागे को बड़ा हम तोड़ेंगे कि ये जो लहसुन है ना हम इसको कहीं पर हैंग कर पाएँ। अब देखिए इस तरीके से इतना लंबा दोस्तों अपने घर में कहीं भी इसको हैंग कर देंगे, बुरा नहीं लगेगा। अब इस तरीके से हैंग करने से क्या है ना कि जो लहसुन है ना हमारा बहुत ही लंबे समय तक के चलेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से मैंने ढेर सारा लहसुन बांध के दिखा रही हूँ आपको। अब मैं रखती भी हूँ इस तरीके से दोस्तों, क्या होता है कि इस तरीके से धागे को इकट्ठा करते हुए और यहाँ से एक नोट लगा लेना है। नोट लगाने के बाद अब ये हमारा एक बराबर एक सार हो जाएगा। अब इसको आप कहीं भी हैंग कर देंगे। अब आप देखेंगे चारों तरफ से इसमें हवा लगेगा और ये जो लहसुन है ना बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है, जो हमारे ये काम आते हैं सब्जियों में, हर चीज़ में, जो चिकन वगैरह खाते हैं उसके भी बहुत ही काम आते हैं। दोस्तों लहसुन एक सब्जियों का स्वाद काफ़ी अच्छा बढ़ाता है, तो लहसुन को हमें दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से इसको संभाल के भी रखना चाहिए। तो इसी तरीके से रखेंगे तो आपका ये जो लहसुन है राशन के साथ हम ले आते हैं, इसको कि सालों साल चलने वाला, साल में एक ही बार होता है, तो इसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। ट्राई जरूर करके देखिएगा। अगला है टिप दोस्तों, ये जो मिट्टी के दिए होते हैं, मिट्टी के हांडी होती है, हम क्या करते हैं इसको, अगर ये टूट जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं। दोस्तों इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। अब आप सोचेंगे कि ये तोड़ के कैसे हम डाल रही हूँ, मैं कैसे डाल रही हूँ। दोस्तों क्या करना है, अगर इस तरीके से मिट्टी के दिए, मिट्टी के हांडी है, तो आपको क्या करना है, बस इसको पानी में आपको ओवरनाइट के लिए भिगो देना है। ओवरनाइट में भिगोने से क्या है ना कि ये जो मिट्टी के ये दिए होते हैं, हांडी टूट जाती है, मटके टूट जाते हैं। तो अब देखिए ये मैंने भिगो रखा था, बहुत ईजिली तरीके से टूट रहा है, जैसे कि मिट्टी को तोड़ते हैं ना बिल्कुल वैसे टूट रहा है। अब इसको मैं कहाँ और कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों, अगर आप गमले के शौकीन हैं तो इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा दोस्तों। इससे क्या है ना कि अगर आपके घर में गमले हैं तो गमले के अंदर ये जो मिट्टी है ना, ये दिए हैं, ये मटके टूट जाते हैं, इनको आप जरूर डालिएगा। इसके डालने से आपके गमले में पानी बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके गमले में काफ़ी अच्छी तरीके से नमी बना के रखेगा लंबे समय तक के, यहाँ तक कि हफ्ता। अब भी अगर पानी नहीं डालेंगे इस बिल्कुल ही तापमान में, जो गर्मियों का मौसम है आपने देखा होगा कि एक दिन हम पानी डालते हैं अगले दिन डालना ही डालना रहता है। तो दोस्तों इस तापमान में अगर आपके पास इस तरीके से मटके या दिए वगैरह हैं एक्स्ट्रा, तो आप इस तरीके से अपने गमले में डाल के रखिएगा। इससे क्या है ना कि गमले का तो काफ़ी अच्छा, इसकी ताकत भी बढ़ेगी और जो पानी की चास है ना बिल्कुल नहीं लगेगा, इसको हमेशा नमी मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर बहुत ही काम का, इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से आर्टिफिशियल एयर रिंग को लेके हैं दोस्तों। आर्टिफिशियल एयर रिंग किसको नहीं पहनना पसंद है, सभी को पसंद है। जब शादी होता है, पार्टी होता है, तो हम सब सोचते हैं कि आर्टिफिशियल रिंग का लुक ही कुछ अलग होता है। तो क्या होता है कि हमारे कानों में सूट नहीं करता है, एलर्जी हो जाता है और बहुत ज़्यादा रेडिएशन से हो जाते हैं और जलन से भी होता है। इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक है कि जब भी आपको लगे कि मुझे आज आर्टिफिशियल एयर रिंग डालना ही डालना है,
तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, क्या करना है आपको, लहसुन ले लेना है, लहसुन की कलियाँ। अब देखिए मैं पूरा ही लहसुन ले ली हूँ, बस इसके अंदर आपको टक करके रख देना है, बस इसके अंदर टक करके रख देना है, एक घंटे पहले या 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप इस तरीके से रख के आप बाकी अपना काम करते रहिए। इसमें कोई भी आपका खर्चा नहीं है, ना कोई टाइम बर्बाद है। जब भी आप तैयार हो रहे हैं आप इसको पहन सकते हैं। अब पहनने के बाद आप देखेंगे 3 से 4 घंटे तक आपका कान बिल्कुल भी नहीं दर्द होगा, और काफ़ी लंबे समय तक ये जो लहसुन का असर है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका वायरस रहेगा और आपके कानों के लिए नुकसान नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला एक टिप दोस्तों इस तरीके से सोयाबीन बरी को लेके है। तो दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा नकली और असली सोयाबीन बरी आ रहे हैं, तो इसको पहचानना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पहचाने कैसे, तो दोस्तों इसका 2 ट्रिक है पहचानने का। तो सबसे पहला ट्रिक मैं बताती हूँ कि एक मैंने गिलास ले लिया है और गिलास में मैं गर्म पानी हल्का सा डाल रही हूँ, गुनगुना पानी है, थोड़ा सा तेज है। तो देखिए ये जो सोयाबीन बरी है ना, पहले आपको इसके अंदर डाल देना है ट्राई करने के लिए कि हमें कैसे इस सोयाबीन बरी को पहचानना है। अब देखिए मैंने 4 से 5 डाल दिया है, अब देखेंगे 15 से 20 सेकंड में ये बहुत इजीली तरीके से सोयाबीन बरी फूल जाएगा। दोस्तों अगर ये डालने के बाद 15 से 20 सेकंड में अच्छी तरीके से ये फूल जा रहा है, तो मानिए अगर स्पंजी बिल्कुल फूला फूला हो जाता है, तो अब सोचिए कि ये सोयाबीन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल इसमें कोई मिलावट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। अब देखिए इस तरीके से मैंने भिगो दिया है, 15 से 20 सेकंड हो चुका है, तब देखिए ये थोड़ा फूला फूला बिल्कुल स्पॉन्जी हो चुका है। तो इसको थोड़ा और से रखेंगे, अब डालने के बाद अब देखिए जल्दी फूल जाता है, तो बिल्कुल स्पॉन्जी हो जाता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए मेरा ये जो सोयाबीन बरी है बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। अब देखिए इसी तरीके से मैं एक निकाल के दिखा रही, बिल्कुल ये फूल चुका है, जरा सी देर में सूख फूल चुका है। अब मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कोई गांठ नहीं, कोई लम्स नहीं है। तो दोस्तों यकीन मानिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। अब अगला इसी तरीके से मैं बताती हूँ दूसरी ट्रिक की, इसको और कैसे हम ट्राई करें। अब दोस्तों जब भी आप सोयाबीन ले आते हैं तो आपको क्या करना है, गैस बर्नर पे रख लेना है। 2 से 3 इस तरीके से रखने के बाद अब क्या करना है, आपको इस तरीके से गैस को चला लेना है। अब चलाने के बाद अब आपको देखना है कि सोयाबीन बरी अगर इस पे से पिघल रहा है, यानी कि इसमें कुछ भिनी भिनी सी स्मेल आ रही है, यानी इसमें कोई चिपचिपा हो रहा है, यानी कि इसमें प्लास्टिक का मिलावट है, हैं। अगर ये आप देखिए ये जल रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से जलने लगा है, तो इसको आपको गैस का बर्नर को बंद कर देना है। अब देखिए इस तरीके से जलने लगा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से परफेक्ट जल रहा है, तो इसको मुझे अच्छी तरीके से बंद कर देना है और अपने हाथों में लेके देख लेना है। अब हाथों में लेके देखेंगे तो आप देखेंगे ये दरदरा है, बिल्कुल हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा। तो अब देखिए मैं मसल के दिखा रही हूँ, अब मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, अंदर कोई गांठ नहीं है, कोई इसमें मिलावट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आप सोयाबीन बड़ी तोड़ के अपने हाथों से अपने गैस पे रख के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ट्रिक मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसमें कोई सभी टिप एंड ट्रिक अगर पसंद आता है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।